चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर ये बताने के लिए कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो प्रथम दृष्टया लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन करती है। धारा 9A सरकारी अनुबंधों के लिए किसी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। बहरहाल चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। संभव है कि इस मामले में चुनाव आयोग हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहरा सकती है, जिसके आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन जाएगी। इससे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया है। रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस को सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खदान लीज लेने का आरोप लगाते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। गवर्नर ने पूरे मामले की जांच के लिए चुनाव आयोग को दस्तावेज भेजा है। भारत निर्वाचन आयोग ने दस्तावेज की सत्यता प्रमाणित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी थी। अब इस पूरे मामले में संभावित कार्रवाई की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।